गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आर के वर्मा, आप योर मैथ टीचर। आई विल एक्सप्लेन अबाउट एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 का जो इंट्रोडक्शन है, इसको हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके पहले ये आपको बताया जा चुका है। इसमें कोई ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स है, इसका इंट्रोडक्शन तो उसको हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। कुछ और भी जो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल आर इरेशनल। देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर आपको बताया जा चुका है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमको इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा रैशनल होगा, कौन सा इरेशनल होगा। इसे इसमें पहला पार्ट है 2 -√5, ये आपका इरेशनल होगा। क्यों इरेशनल होगा? क्योंकि 2 यहाँ पर ये आपका रैशनल है, इंटीजर है, रैशनल होगा। एंड √5 आपका इरेशनल है। तो रैशनल में से जब इरेशनल आप माइनस करोगे, निकालोगे, तो इरेशनल ही तो बचेगा। क्योंकि इरेशनल मीन्स जब √5 को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो नंबर आएगा वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो 2 में से जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को माइनस किया जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही तो आएगा, तो क्या बनेगा? इरेशनल। वही देखिए लिखा है, बिकॉज दिस इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है ये? रैशनल माइनस इरेशनल नंबर। ये 2 रैशनल है एंड √5 इरेशनल है। ओके, अब सेकेंड पार्ट में क्या है, √3 + √23 - √23। ये √23 और -23 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 3 आपका इंटीजर है जो कि रैशनल है। 3 क्या है? रैशनल है ना, ये रैशनल नंबर है। यस, थर्ड पार्ट 2 √7 / √7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2/7। 2/7 आपका रैशनल है, क्योंकि रैशनल आप जानते हैं p/q के फॉर्म में, ये रैशनल हो जाएगा। फोर पार्ट 1/√2 है। अब 1/√2 में आपने क्या किया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ऊपर हो गया √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इसमें हाफ को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा ½ × √2। √2 आपका इरेशनल है, क्योंकि √2 मैंने कहा था अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं है तो इरेशनल होता है। अब हाफ आपका रैशनल है, जब मल्टीप्लाई होगा रैशनल इनटू इरेशनल, हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल ही तो आएगा, क्योंकि √2 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हाफ का मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा ना, क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? इरेशनल बनेगा। ओके, सिमिलरली इन पार्ट 5th 2π, तो यू नो पाई इज ए इरेशनल नंबर एंड 2 इज ए रैशनल, तो रैशनल इनटू इरेशनल, दैट मींस इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका वैल्यू बता चुका हूँ आपको पाई का वैल्यू, तो इरेशनल नंबर। आफ्टर दिस योर क्वेश्चन सेकंड, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें जो आपको ये दिए गए हैं ये सब एक्सप्रेशंस, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके क्या आएगा वही हमको बताना है। तो 3 + √3 × 2 + √2, तो इसका मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करोगे 2√3 हो गया, फिर इसका करोगे 3√2, फिर इसका √3√2। तो ये √3 √2 × देखिए दोनों √ में है तो √6 हो जाएगा, 3 × 2 मल्टीप्लाई होगी √6 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 6 + 2√3 + 3√2 + √6। सेकेंड पार्ट
थ्री प्लस रूट थ्री इंटू थ्री माइनस रूट थ्री, ये आपका किस फॉर्म का है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसी फॉर्म का है ये। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स थ्री स्क्वायर माइनस एंड माइनस थ्री रूट थ्री, रूट थ्री का रूट थ्री स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया थ्री स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री स्क्वायर। थ्री स्क्वायर मीन्स नाइन, रूट थ्री स्क्वायर मीन्स थ्री, नाइन माइनस थ्री सिक्स, इसका वैल्यू सिक्स आ जाएगा। इन थर्ड पार्ट अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू, ये भी उसी फॉर्म में देखिए मैंने यहाँ रख दिया है और इसको सॉल्व किया है, इसका वैल्यू आ जाएगा फाइव प्लस टू जो ऐड करोगे तो आ जाएगा सेवन प्लस टू रूट टेन आ जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी, आप जानते हैं पाई इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। इसमें आपको इसमें कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट मीन्स होता है विरोधाभास, जो एक दूसरे के रिवर मतलब वो विरोध विरोधाभास में हो, है ना, तो उसको बोलते हैं कंट्राडिक्ट। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि जैसे इसमें जैसे सी आई सी बाई डी है, पाई तो हम जानते हैं इरेशनल होता है, सबको मालूम है पाई ऑलवेज इरेशनल होता है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। बट सी बाई डी में सी आपका क्या है, इसमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, तो सरकमफ्रेंस तो आप जानते ही हैं, सरकमफ्रेंस ये आपका सरकमफ्रेंस होता है, ये आपका डायमीटर होता है। तो अब इसमें यहाँ देखिए, ऐसे इसमें जो सी आपका क्या है, सरकमफ्रेंस की लेंथ है और डी इसका डायमीटर है, तो इन दोनों में से एक इरेशनल हो सकता है। अब जैसे आपका ये डी अगर ये रेशनल नंबर हो, रेशनल, तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये इरेशनल हो सकता है, आ सकता है, लेंथ है ना, इरेशनल आ सकता है। तो इसका मतलब अगर ये इसको हम इरेशनल ले लें, तो इसका डायमीटर भी इरेशनल हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक इरेशनल हो सकता है, चाहे वो सरकमफ्रेंस हो चाहे वो डायमीटर हो। तो उस पोजीशन में क्या होगा, अब जैसे यहाँ सी अपॉन डी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन डी इंटू सी। तो अगर वन अपॉन डी आपका रेशनल है और सी आपका इरेशनल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई इरेशनल हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, पॉसिबल है, हो सकता है। तो देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिकॉज आइदर सी आर डी इज ए इरेशनल नंबर। अब इसमें कोई एक इरेशनल हो सकता है, चाहे वो सरकमफ्रेंस हो चाहे वो डायमीटर हो, कोई एक इरेशनल हो सकता है, तो ऐसा हो संभव है। आफ्टर दिस क्वेश्चन फोर, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको अंडर रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए क्या मेथड है, आपको हम पहले मेथड बता दें। जैसे अंडर रूट 9.3 है, तो जितना अंडर रूट में होगा उतना ही लेंथ हमको एओ को खींचना पड़ेगा, उतना ही लेंथ एओ का हम रखेंगे। अब जैसे यहाँ 5.7 अंडर रूट 5.7 का हमको अगर रिप्रेजेंट करना है उसको, अंडर रूट 5.7 को, तो एओ की लेंथ अंडर रूट 5.7 रखेंगे। 11.2 का हमको रखना, अंडर रूट 11.2 का, तो एओ की लेंथ 11.2 रखेंगे। जितना अंडर रूट में रेशनल नंबर होगा, जितना नंबर होगा डेसिमल में फॉर्म में,
उतना ही लेंथ हमको AO को ड्रा करना होगा, और AO में ऑलवेज हमको OC1 यूनिट ही ऐड करना होगा। इसको माइंड फिट कर लीजिए आप, मींस जितना अंडर रूट में नंबर होगा डेसिमल में, जैसे 9.3 है तो 9.3 का ही हम AO खींचेंगे, ड्रा करेंगे, और जो इसमें प्रोड्यूस करेंगे आगे जो बढ़ाएंगे OC वो हमेशा 1 यूनिट का ही बनाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, 1 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं। अब आगे जो स्टेप हो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा ए लाइन AO, AO देखिए मैंने लिखा है, टेकिंग लेंथ 9.3 यूनिट, ये मैंने बता दिया पहले, एंड प्रोड्यूस OC इक्वल टू 1 यूनिट, मैंने कहा ना OC ऑलवेज 1 यूनिट ही इसमें आगे बढ़ाना है आपको, ऑन द नंबर लाइन एंड देन फाइंड मिड पॉइंट M ऑफ AC, AC का जो मिड पॉइंट है उसको हम फाइंड करेंगे। आफ्टर दिस ड्रा ए सेमी सर्किल टेकिंग सेंटर M एंड रेडियस MC इक्वल टू 5.15 यूनिट, देन ड्रा ए परपेंडिकुलर OD एट O, दिस परपेंडिकुलर कट टू दी सेमी सर्किल एट डी, देखिए डी पर यहाँ परपेंडिकुलर कट कर रहा है। आफ्टर दिस अगेन वी ड्रा ए आर्क टेकिंग सेंटर ओ एज ए ओरिजिन एंड रेडियस OD, इफ दिस आर्क कट द नंबर लाइन एट पी इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट पी रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3। अब ये 9.3 जो है इसका जो रिक्वायर्ड जो लेंथ होगा ओ से, वो को मैंने ओरिजिन पर लिया है, तो OP जो बनेगा वही अंडर रूट 9.3 होगा, और इसी को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था, लोकेट करना था। तो इस तरीके से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका वैल्यू MD का जो वैल्यू है या इसका जो आया हुआ है, इसको हम इन राइट एंगल ट्रायंगल में भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपके हम प्रूव करके दिखाएंगे। यहीं पर विराम करते हैं। थैंक यू।